हम आधा कट करके बना रहे हैं फिर वापस। तो हमने ये बनाए हैं अभी कढ़ी के बता रहे थे, तो कढ़ी में हमने 2 चम्मच भर भर के दही डाल दिए। मसाला हमारा कुछ रोस्ट हो गया था तो इसमें हमने अब दही डाल दिए हैं, तो फिर मसाला तो पक गया, दही की बारी आ गई थी। तो हमारी ये दही देखिए पड़ गया, दही भी अच्छे से गल गया, कहीं थाका नहीं दिखेगा। हमारी हो गई दही भी। अब इसमें हम डाल रहे हैं बेसन जो हमने घोल बना के रख लिए हैं। तो हमारा जो सिलबट्टी का बेसन था हमने देखिए अच्छे से इसको घोल बना लिए हैं। मसाला भी हमारी अच्छे से हो गई है। अब हम डाल रहे हैं इसमें दही, इसका बेसन का घोल। तो ये हमारा ये बेसन का घोल हो गया कढ़ी के लिए। अब कढ़ी हमारी अच्छे से पकेगी। इसमें हम डाल रहे हैं साथ में ये जो हमने पकौड़ा बनाया था डालने के लिए, तो हमारा ये भी हो गया। इसी में अभी साथ में देखिए हमारा ये पकौड़ा साथ में अच्छे से पकेगा। बाल खाने के बाद हमने डालेंगे, हमने बेसन में भी डाले थे इसलिए हमने नमक थोड़ा सा डाल रहे हैं स्वाद अनुसार, जो कि हमारा नमक बराबर हो जाए कढ़ी में। बस हमने 3-4 रोटी भर के आटा लिए हैं। आटा के में हम गर्म पानी डाल रहे हैं क्योंकि ये आटा। हेलो फ्रेंड्स, हो गई हमारी कढ़ी। देखिए हमने धनिया पत्ती डाल दी, गार्निश कर दिए अपने। कढ़ी हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम इसको बंद करेंगे। आप हमारी वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। और हर संभव देखिए अच्छी सी कढ़ी हमारी, ना तो ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। प्लीज़ हमारी वीडियो को मोटिवेशन दीजिए। धन्यवाद।